करते हैं। ठीक है जी। तो हमने कल लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मुझे बताएं क्या होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, क्या होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हमने लास्ट क्लास में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे। ठीक राजीव हसनैन अरमेश मिश्का, अरिथमेटिक ओके वेल डन। एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सब हमारे पास क्या होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते थे। ऐड का मतलब प्लस का साइन, ठीक है, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस का साइन, डिवीजन का मतलब डिवीजन का साइन, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, वेल डन। अब हम लोग ने क्या करना है, अब हमने पढ़ने के बॉटम फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ फंक्शंस क्या होते हैं। ये फंक्शंस होते हैं हमारे पास टू, हमारे पास कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, हमारे पास टू टाइप्स के फंक्शन होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स के फंक्शन होते हैं। एक होता है हमारे पास ये फंक्शन, और एक हमारे पास होता है ये फंक्शन। ठीक है, कितने हैं हमारे पास टू टाइप्स के फंक्शन हो गए। ये होता है हमारा एस टी आर मतलब स्ट्रिंग, और ये जो है आई एन टी वाला है, ये है इंटीजर का फंक्शन। ओके ठीक है। यस अब इनका पर्पस क्या होता है, इस फंक्शंस का पर्पस क्या होता है। इन फंक्शन का पर्पस ये होता है कि अब इंटीजर वाला हमारे पास जो फंक्शन है, अब अगर आपने आई फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा क्या करता है कि इंट का फंक्शन क्या होता है, ये स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कन्वर्ट्स स्ट्रिंग वैल्यू इनटू इंटीजर। ठीक है, और जो स्ट्रिंग का जो हमारे पास फंक्शन होता है, ये क्या करता है हमारे पास, ये करता है इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट्स इंटीजर वैल्यू टू स्ट्रिंग या स्ट्रिंग्स में कर देगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी आप वैल्यू रखोगे तो वो किसमें हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। आप उसमें आप कोई भी वैल्यू रखोगे वो कन्वर्ट हो जाएगी, इज इक्वल स्ट्रिंग हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास ये है, इसके अंदर अगर हम लोगों ने कुछ भी रखते हैं, जैसे हमने इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वैल्यू है नम, ओके वेरिएबल एक हमारे पास एज, ठीक है, एज का वेरिएबल है, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एज के वेरिएबल के अंदर अगर हमने लिख दिया 20, ये हमारी एज है, तो ये क्या है, 20 अभी इंटीजर है या नंबर है। इंटीजर वेल डन, अभी ये है इंटीजर। ठीक है, और अगर आप इस फंक्शन को यूज करोगे कि इंटीजर को स्ट्रिंग में अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए, आप क्या करो, इसको यूज करो कि एस टी आर और इसके अंदर लिख दो 20, तो फिर जब आप इसको प्रिंट कराओगे अगर एज यानी, तो फिर ये जो हमारा 20 है, ये जो हमारा 20 है जो पहले ऐसा था, अब वो कैसा हो जाएगा, पहले हमारा 20 ऐसा था 20, 20 ऐसा था, अब हमारा जो 20 है एस टी आर जो अगर हम फंक्शन यूज करेंगे उसके बाद हमारे पास जो हमारा वो हो जाएगा, वो हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन क्या नो सर करेगा, आप लिखोगे फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो नम इज इक्वल्स टू
एस टी आर, और ब्रैकेट में आपको वैल्यू जो भी दोगे वैल्यू वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसमें डालते हो 40, तो फिर जब 40 जो था, जो हमारे पास 40 पहले ऐसा था इंटीजर में था, अब वो कैसे हो जाएगा, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, 40 ऐसे हो जाएगा वो, ठीक है। तो हम लोग क्यों यूज करते हैं ये फंक्शंस, क्यों यूज करते हैं एस टी आर और इंटीजर, ताकि हम लोग डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकें। क्यों यूज करते हैं, हसनैन, क्यों यूज करते हैं हम लोग फंक्शंस? सर डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए। वेल डन जी अरमिश एंड मिश्का, हम लोग ये जो आई एन टी फंक्शन है वो क्यों यूज करते हैं? मिश्का आप बताओ, आई एन टी फंक्शन हमें किस चीज के लिए यूज करते हैं? आई एन टी फंक्शन क्या करता है? स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और एस टी आर फंक्शन क्या करता है कि कोई भी अगर इसके अंदर वैल्यू होगी वो किस में हो जाएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, यानी उसमें ऑटोमेटिकली कोटेशन मार्क्स ऐड हो जाएंगे। अब जैसे स्ट्रिंग है, अब आप लिखो एज, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है एज का वेरिएबल, ठीक है, और इसमें आपके पास वैल्यू है स्ट्रिंग में, ठीक है, आपकी वैल्यू है स्ट्रिंग में। तो अगर आप इसको एज इज इक्वल्स टू आई एन टी INT ब्रैकेट 20 20 करोगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सिंपल 20 हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। या सिंपल वर्ड्स में आप ऐसा कह सकते हो कि जो INT का जो फंक्शन है वो क्या करता है, जो हमारे पास कोटेशन मार्क लगे होते हैं उसको रिमूव कर देगा, यानी कोटेशन मार्क जब रिमूव हो जाएंगे तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप ये कह सकते हो कि STR फंक्शन हमारा क्या करता है कि कोटेशन मार्क ऐड कर देता है और उसको वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ओके, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन है? नो सर, नो सर। अर्मेश एंड मिश्का, आप लोगों को समझ आ रहा है? ओके, तो आप लोग इसको लिख लो, आपको लिखना है तो सर लिख लिया। लिख लिया, सबने लिख लिया? यस ओके, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने आपको अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने क्या कराया था, अरिथमेटिक ऑपरेटर से आपने टेबल बनाया था ना, आपने क्या किया था कि नम वन था वेरिएबल, नम वन मल्टीप्लाई हो रहा था वन से, ठीक है, और ये प्रिंट हो रहा था, प्रिंट नम वन, ये आपने किया था कि प्रिंट नम वन मल्टीप्लाई बाय वन, ठीक है, आपने ये किया था। तो जो आंसर हमारे पास ऐसा प्रिंट हो रहा था हमारे पास आंसर, ठीक है, सिर्फ जैसे आपने टेबल बनाया था, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे आ रहा था ना, Yes. ठीक है, ऐसे आ रहा था, ठीक है। और अगर अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का टेबल ऐसे प्रिंट हो कि फॉर एग्जांपल 5 का टेबल है तो ऐसा हो 5, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई आए 5 1 जा फिर इज इक्वल्स टू, या फिर 5 1, ऐसा अगर हम लोग चाहते हैं कि ऐसा प्रिंट हो तो हम क्या करेंगे? किसी को है आइडिया? इसमें हेलो, आप लोग मेरे रिस्पॉन्स तो दे दिया करें, कुछ जवाब तो दे दें। नो सर। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें जो हमारे पास ये है 5 1 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब जो हम लोगों ने क्या किया था, हमने जो टेबल जो आपने ही प्रिंट कराया था, आपने क्या कराया था कि प्रिंट num1 मल्टीप्लाई बाय 1, जैसे 5 1 5, अगर num1 हमारे पास क्या था, num1 की वैल्यू हमारे पास num1 इज इक्वल टू 5 था, तो फिर ये क्या हो रहा था, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, डायरेक्ट सिर्फ आंसर आ रहा था हमारे पास, सिर्फ 5 प्रिंट हो रहा था ना,
से 5 प्रिंट हो रहा था, और अगर अभी हम लोग अगर हम लोग चाहते हैं कि ऐसा प्रिंट हो कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 5. अब जो हमारे पास ये वाला 5 है, हमारे पास ये वाला जो 5 है, ये वाला, ये हमारे पास क्या है, ये आउटपुट है. यानी आउटपुट क्या है, इसका मतलब ये आउटपुट क्या आ रहा है, ये चीज़ है, ये सेम डिट्टो यही चीज़ है कि प्रिंट नम 1 मल्टीप्लाई बाय, इसमें क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, क्या हो रहा है, नम 1 मल्टीप्लाई बाय, कि पहला जो 5 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, और उसका आंसर ये आ रहा है. ठीक है, ये आ रहा है 5. ठीक है, और जो बाकी हमारे पास है ये क्या, कौन सी वैल्यू है, मुझे कोई बताएगा. हमारे पास जो ये है, हमारे पास ये है जो इक्वल्स टू, ये कौन सी वैल्यू है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, क्या है ये? जो हमारे पास ये इज इक्वल्स टू है, ये कौन सी वैल्यू होगी हमारे पास, इंटीजर तो नहीं है ये, तो ये कौन सी वैल्यू में आ जाएगा, स्ट्रिंग. जी, ये हमारे पास है स्ट्रिंग. ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है. और अब हम लोग देखते हैं कि मल्टी जो है हमारे पास एक्स, यानी जो एक्स है, स्मॉल एक्स, जिसको हम ऐसा मल्टीप्लाई शो कराएंगे, ये भी क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग है, करेक्टर है, ये भी क्या है, स्ट्रिंग है. yes. ठीक है, अब जो हमारे पास ये दो हैं, 5 और 1, ये हमारे पास है इंटीजर. ठीक है, हमारे पास 5 और 1 हमारे पास ये इंटीजर हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमें इंटीजर नहीं चाहिए, ये दिखने में इंटीजर हो लेकिन ये हो स्ट्रिंग. तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको. yes. ठीक है, उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, स्ट्रिंग में किसी चीज को अगर कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, अभी हमने पढ़ा. INT फंक्शन यूज करते हैं या STR यूज करते हैं? INT यूज करते हैं इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन हम लोगों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, इंटीजर है हमारे पास. शाहजेब आप बताओ कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम? सर SRT यूज करेंगे, SRT फिर हम लोग क्या कहते हैं उसमें ब्रैकेट में नंबर टाइप करेंगे, और उसके बाद फिर जब एंटर रन करेंगे प्रोग्राम को तब फिर वो कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में. स्ट्रिंग वाला फंक्शन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, और INT वाला जो है वो INT में कन्वर्ट करते हैं. वेल डन, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करेंगे, ताकि हमारे पास जो 5 इंटीजर है STR, जो है हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला 5 है, ये वाला जो हमारे पास 5 है, ये वाला जो 5 है हमारे पास, ये हमारे पास आज क्या हो जाएगा, इंटीजर है STR 5. ठीक है, 5 इंटीजर था, तो फिर ये इसको क्या कर देगा, वो इसको कन्वर्ट करके वो कर देगा, इसको ले आएगा कॉमा कोटेशन मार्क में ले आएगा. ठीक है, तो ये कर देगा 5, ऐसा ही कर देगा ये फंक्शन, इसको कन्वर्ट कर देगा ऐसे. yes. ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें अब आप बताओ ये जो x है हमारे पास, ये हमारे पास स्ट्रिंग है या हमारे पास ये वो है इंटीजर? x तो हमारे पास स्ट्रिंग ही है, तो इसको कन्वर्ट नहीं करना होगा हमें. हमें फिर आगे हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है, 1 जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, इंटीजर है, और हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको स्ट्रिंग में लिख सकते हैं. ठीक है, हमें सिंपली क्या करना है, जो चीज चेंज नहीं हो रही, जो चीज चेंज हो रही है ना, जैसे 5 1 5 5 2 10 5 3 15, जैसे 1 2 3 ये चेंज होगा ना, तो हमें 1 2 3 हमें स्ट्रिंग में खुद टाइप करना है, और जो हमारा वेरिएबल है, जैसे हम लोगों ने प्रिंट नम 1 मल्टीप्लाई नम 1, और जो ये वाला वेरिएबल है 5, तो हमें कन्वर्ट करना होगा कि str num 1, ताकि हमारा जो वेरिएबल है स्ट्रिंग num 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, num 1 की वैल्यू 5 थी, तो फिर क्या हो जाएगी, वो स्ट्रिंग में आके हो जाएगी ऐसे 5. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो.
ओके वेल डन। अब अगर इसमें हमें करना है, हमें ये करना है कि 5, फिर हमने स्मॉल x कर देते हैं, ठीक है, 5 1 जा 5 1 जा, और आंसर आए 5 1 जा 5। 5 ऐसा हमें अगर प्रिंट करना है तो इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमारे पास, हमने क्या करना है, हम इसको स्ट्रिंग में ले लेंगे। हम इनको ज्वाइन कैसे कराते हैं, कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करने के लिए? अर्थमेटिक जी, आर्थमेटिक ऑपरेटर्स में से कौन सा वाला यूज करेंगे? प्लस का साइन यूज करेंगे, कौन सा साइन यूज करेंगे? मल्टीप्लाई ये हमारे पास क्या है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है, और इज इक्वल्स टू भी हमारे पास स्ट्रिंग है, ये भी हमने स्ट्रिंग में ले, ठीक है। हमारे पास कितने स्ट्रिंग है, 5 1 2 3 4, और हमारे पास जो लास्ट वाला है हम इसको भी स्ट्रिंग में कर देंगे कन्वर्ट, ठीक है। सब स्ट्रिंग में आ गया। अब स्ट्रिंग में 7 में अगर लिखवाना हो, मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग ए प्लस बी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो हम लोग इसमें अगर बीच में प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे इन सबके, तो एक कॉन्केटिनेट हो जाएगा ना, ज्वाइन हो जाएगा आपस में। हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में कि अगर हम लोग ज्वाइन हो जाएगा ये, तो अगर इसके आप सबके बीच में प्लस ऑपरेटर यूज कर दोगे क्या हो जाएगा, 5, फिर ये प्लस कर दोगे, फिर प्लस कर दोगे, और इज इक्वल्स टू के बाद फिर प्लस कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, कॉनकेटिनेट। स्ट्रिंग है ना, सारी वैल्यूज देखो स्ट्रिंग में है या इंटीजर में है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में कभी एडिशन नहीं होता, स्ट्रिंग में हमेशा क्या हो जाता है रमेश? मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारे पास ये जो सारी वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज के बीच में हमने सेंटर में प्लस ऑपरेटर यूज किया, ये रहा, ठीक है। तो जब हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि अगर इंटीजर के साथ अगर आप प्लस ऑपरेटर यूज करोगे तो एडिशन हो जाएगा, और अगर स्ट्रिंग्स के साथ यूज करोगे तो कॉन्केटिनेट हो जाएगा, मतलब वो ज्वाइंड हो जाएंगे। तो इसमें अभी ये जो वैल्यूज है हमारे पास सारी, ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, वेल डन। तो जब स्ट्रिंग क्या हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है, यानी कॉन्केटिनेट हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे जैसे सब ये ज्वाइंट हो रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा कि 5x, यानी ज्वाइन हो जाएगा 5x1, फिर हमारे पास इज इक्वल्स टू है, फिर हो जाएगा 5, ऐसा ही हो जाएगा सब ज्वाइंट होने के बाद, ठीक है। यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो ओके वेल डन। तो आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया, आप लोगों को पता चल गया है ना कि स्ट्रिंग फंक्शन यूजेस क्या होता है, यूजेस ऑफ str एंड int। आप लोगों को ये समझ आ गया कि कन्वर्ट करते हैं डेटा टाइप को? यस कोई भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, अभी क्वेश्चन है तो। नो सर ओके तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया? यस सर ओके तो अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, और अब हम लोग चलते हैं ईडीयू ब्लॉक्स पे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं ईडीयू ब्लॉक्स पे। ओके तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? डोंट यूज एनोटेट, डोंट यूज एनोटेट हसनैन एंड अली, डोंट यूज इट। ओके ठीक है, हम लोग ईडीयू ब्लॉक्स में आ जाते हैं, गेट स्टार्टेड। पाइथन ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो आज अभी हमने पढ़ा?
एडमिशन मिश का आप लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं थी अभी तक? हसनैन, शाजेब, परमिशन मिश्का, आप तो मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब समझ आ गया। ठीक है परमिश मिश्का आपको? नो ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो स्ट्रिंग वाला फंक्शन है, स्ट्रिंग और इंटीजर वाला है, हम लोग कहाँ से वो करेंगे, असेस करेंगे? आज से कहाँ से असेस करेंगे? जैसे जो फंक्शन है, पर स्टेटमेंट्स में आप जाओगे और नीचे आप देखोगे तो आपको दिख रहा है str ये रहा, int ये रहा, yes sir दिख गया, ये रहा हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम चाहते हैं, अब हम वो बनाते हैं टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं नंबर, जिसका हमें टेबल क्रिएट करना हो। ठीक है, और हम लोग इसको रख देते हैं नेम इज नंबर। ठीक है, और किसका, हम लोग 5 का टेबल चले हम लोग क्रिएट करते हैं, तो हम हो जाते हैं नम इज इक्वल टू 5। यहाँ तक वेरिएबल क्रिएट करने में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं थी? No. ठीक है, अब मैंने आपको जो बताया था उसमें वहां पर कितनी वैल्यूज थी, यानी जो हमने ड्रॉ किया था, देखो हमने क्या किया था, 5। ठीक है, फिर हमने कौन सा प्लस ऑपरेटर यूज किया था, फिर हमने क्या किया था, 5 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल प्लस एक्स, यानी को ज्वाइन हो जाएगा छोटे एक्स से। ठीक है, फिर ज्वाइन हो जाएगा किस से, 1 से। ठीक है, फिर ज्वाइन हो जाएगा इज इक्वल्स टू से। ठीक है, और फिर ज्वाइन हो जाएगा दोबारा 5 से। तो हमारे पास यहाँ पे कितने प्लस हैं? आगे कितने प्लस हैं? सर 4। 4 प्लस हैं, और कितने हमारे पास वैल्यू कितनी है सर? 5 वैल्यूज हैं। ठीक है, हमारे पास, तो हमें इसका मतलब हमें ऐसा हमें ब्लॉक करना होगा जिसमें 5 वैल्यूज हमारे पास जा सकें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे, हमने कहाँ से किया था, हमने मैथ से, मैथ्स पे जाके हम लोग मैथ पे जाके हमने वाला लिया था ना, याद है ब्लॉक आपको, यहाँ पे हमने रख दिया था नम और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया था। यस सर, ऐसा ही किया था हमने जो आप लोगों ने अभी टेबल क्रिएट किया। यस सर, ठीक है, तो ठीक है, आवाज नहीं आ रही। यस यस, आई एम जस्ट कमिंग बैक। जी, तो इसमें मैंने आपको, हम लोगों के अब कितने वैल्यूज थी हमारे पास, 5 वैल्यूज थी, तो इसका मतलब हमें 4-5 वैल्यूज की हमें स्पेस चाहिए होगी। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, हमने अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपस ऐसा, हमारे पास तो कोई ब्लॉक ही नहीं है जिसमें इतनी सारी वैल्यूज स्टोर हो सके। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन करते जाओगे। ठीक है, इसको क्या करोगे, ऐसे ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, अब कितनी वैल्यूज हमारे पास हो गई, 1, 2 and 3। ठीक है, हमें कितनी वैल्यूज के लिए चाहिए, 5, तो आप फिर इसको दोबारा ज्वाइन कर दोगे। अब कितनी वैल्यूज हो गई, 4 हो गई। यस सर, अब आप फिर इसको ज्वाइन कर दोगे तो अब हमारे पास हो गई 5 वैल्यूज, हो गई 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इधर क्या था, इधर आ जाएगा हमारा वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास क्या था, नम था, नम की वैल्यू क्या है,
फाइव है तो हमने क्या कर दिया, फाइव प्लस फिर हमने क्या करना था x, तो आप क्या करोगे स्ट्रिंग में लिखोगे ऐसे x, ठीक है, कॉमा ही लगा के स्मॉल x लिखोगे, ठीक है। फिर हमें क्या करना था, हमें फिर लिखना था वन, तो आप क्या करोगे ऐसे लगाओगे कोटेशन मार्क और लिख दोगे वन, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइव वन जा इज इक्वल्स टू, फिर आपको फॉर्म कोटेशन मार्क लगा के इज इक्वल्स टू लिखोगे, क्या हो गया, अब हमारे पास नम की वैल्यू फाइव है, तो फाइव एक्स फाइव वन जा और इज इक्वल्स टू। अब हमें क्या करना है, अब देखो अगर हम स्टेट, अब हमें इसको प्रिंट करना है ना, तो आप क्या करोगे, अब हमारे पास यहाँ पे दो प्रिंट के होते हैं, एक हमारे पास क्या होता है चीजों को प्रिंट कराने के लिए होता है, और अगर आपको उसके अंदर की वैल्यूज प्रिंट करानी हो तो आपको वेरिएबल वाला लेना होता है, ठीक है, प्रिंट वेरिएबल, तो आप प्रिंट वेरिएबल वाला यूज करोगे, और इसमें आप जब आप प्रिंट इसके अंदर रखोगे तब क्या होगा, क्या हो रहा है कोड, प्रिंट नम, अब हम लोग चेक करते हैं इसको, अच्छा ओके, अब हम लोग कर देते हैं इसको फाइव, अगर हम इसको फाइव कर दें तो ये नंबर होगा, हम इसको यूं करते हैं तो ये स्ट्रिंग होगा, ठीक है। अब आप इसको अगर रन करो तो क्या आ रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर एड इंटीजर स्ट्रिंग, ठीक है, इसका मतलब इसमें ये नहीं कर सकते हम लोग, तो अब हम लोग क्या करोगे, वो क्यों क्यों कर रहे हो मसला, क्योंकि जो वो नम है हमारे पास, नम की वैल्यू इंटीजर है, यानी फाइव इंटीजर है, तो वो क्या कर रहे हैं इंटीजर, मैंने आपको क्या बताया था, दो डिफरेंट डेटा टाइप्स कभी ऐड नहीं हो सकती, हमारे पास जो एक्स है यहाँ पे ये कौन सी डेटा टाइप है, ये एक्स जो है हमारे पास कौन सी डेटा टाइप है, इंटीजर एक्स, एक्स क्या है ये स्ट्रिंग है, और जो हमारे पास नम है वेरिएबल उसकी वैल्यू फाइव है वो इंटीजर है, तो फाइव इंटीजर प्लस स्ट्रिंग कभी हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए अब हमने, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, शाज़ीब सर इंटीजर, अगर हमें किसी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करते हैं, तो आप ये str का ब्लॉक लोगे, ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें हम लोग को ये जो नंबर है वेरिएबल इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, आप इसको यू पुट करके इसको इसके अंदर रख दोगे, ठीक है, अब क्या हो जाएगा प्रिंट str num, यानी स्ट्रिंग जो हमारे पास है num में हो गई, ठीक है, यहाँ तक हो गया काम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग करते हैं रन, अब चेक करते हैं, अब फिर हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास एरर आ रहा है, ठीक है, क्यों एरर आ रहा है हमारे पास, क्योंकि जो हमारे पास ये है ये एम्प्टी है अभी। अब अगर हम लोग इधर इसमें लिखते हैं फाइव, ओके, अगर हम ऐसे सिंपली फाइव लिखते हैं तो हमारे पास आ रहा है फाइव मल्टीप्लाई फाइव एक्स वन इज इक्वल टू फाइव आ रहा है, yes, sir, ठीक है, लेकिन ये हमने फाइव खुद से लिखा हुआ है, अगर हम इधर टू करते हैं फिर भी ये फाइव ही आएगा, ठीक है, अगर हम इसमें टू कर देंगे तो ये फिर भी फाइव आएगा, आप देखना ये फिर फाइव आ रहा है, हम तो नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं भाई टेबल प्रॉपर वर्क करे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप इधर इधर आपको क्या करना है, इधर आपको पूरा फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला कौन सा वाला, जो हमने अभी आप लोगों ने अपने होमवर्क में यूज किया, कौन सा, मैथ वाला, मैथ में जाके आपने ब्लॉक लोगे, इसमें आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई और यहाँ पे वेरिएबल्स में हो गया, नम जो है नम इसको इसके अंदर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, नम मल्टीप्लाई बाय फाइव वन वन का टेबल है, तो फाइव वन जा फाइव, ठीक है, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन, नो, अब ये दोनों क्या है, ये इंटीजर्स हैं दोनों, ठीक है, ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये क्या होगा, इंटीजर्स कभी भी क्या नहीं हो सकता, स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं हो सकता, इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, अगर हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास स्ट्रिंग है तो ये ऐड नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा वो करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे, आप स्टेटमेंट्स में जाओगे और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप स्ट्रिंग का ये लोगे और आप इसको यहाँ रख दोगे, ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, और फिर आप इस चीज को इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है।
यहां तक तो कंफ्यूजन नहीं है किसी को? नो सर। अब आप इसको रन करोगे तो क्या आ रहा है? 5 1 5। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप लोग इसको सिर्फ सिंपली इस जो आपका है ना, इस पे राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर दोगे, ठीक है, और इसको नीचे लगा दोगे, फिर डुप्लीकेट कर दोगे, ठीक है। और आप क्या करोगे, 5 × 1, इधर से 1 था ना, तो इधर आप क्या करोगे, 1 की जगह 2 कर दोगे, ठीक है, और इधर भी आप क्या कर दोगे, 1 की जगह 2 कर दोगे, फिर इधर क्या करोगे, इधर 3 कर दोगे, ठीक है, इधर 3 कर दोगे और इधर भी 3 कर दोगे, ठीक है। और जब आप इसको रन करोगे तब क्या होगा हमारे पास, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 50, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो नो सर। तीनों को क्लियर है? ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ तक इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, जैसे कुछ समझ नहीं आई कोई चीज तो पूछ लो। ठीक है, तो अब आप लोग का होमवर्क क्या है, आप लोगों को टेबल प्रिंट करके लाना है अपनी मर्जी के नंबर का, और इस तरीके से प्रिंट करना है जैसे आज हमने प्रिंट किया है ना, ऐसे प्रिंट करना है, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को ऐसा क्या करना है, 10 तक प्रिंट करके लाना है, ठीक है, अपने भी किसी भी वेरिएबल नंबर का, उसमें पूरा आया, जैसे अभी हमने किया ना, 5 1 5, 5 2 10।